दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा अल्ट्रा स्लिम का 21 इंची वीडियोकॉन का CRT TV है। यहाँ पर मैं लाइन दे देता हूँ और फिर मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरा यहाँ पे स्क्रीन तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपको दाएं तरफ में कुछ यहाँ पे ब्लर जैसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लैक धब्बा जैसा। और जब भी हम AV मोड को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ भाग मेरा पिक्चर का इधर बाएं तरफ में अंदर चला गया है। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं ताकि आपको भी कंफर्म हो सके, आप भी कंफर्म हो सके कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या। तो AV मोड में मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर देखिए, आपका जो ब्लरनेस है, मतलब जो ब्लैक एरिया में, वो वहां पे ब्लर जैसा आ रहा है और ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, स्टार उत्सव जो चैनल का नाम है। तो ये भी देखिए कैसा लिखा हुआ आ रहा है। और कुछ मेरा एरिया है पिक्चर का, वो मेरा अंदर चला गया है बाएँ तरफ में। तो इस तरह का प्रॉब्लम है। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं। मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर में ये प्रॉब्लम है कहां से और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए मैं चलता हूँ बैक साइड में। मैंने कवर को ओपन कर लिया है पहले से ही। और यहाँ पर देखिए, ESD कैप मैंने नया लगाया है क्योंकि यहाँ पर पुराना वाला कैप बर्न हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे मैं उसको भी नया डाल लिया हूँ ताकि आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइज, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे चेंज करते हैं ESD कैप को, तो इस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाला है अपने चैनल पे, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमें PCB को पलटना होगा, तो PCB को चलिए पलट लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा प्रॉब्लम है हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है। अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन सा सेक्शन का प्रॉब्लम है, तो आपका जो योक क्वाइल का वायर होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप उस वायर को छुटा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वर्टिकल वायर छुटाऊँगा तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, उस लाइन में ये वाला प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा। तो इससे हम कन्फर्म हो जाएंगे कि मेरा ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है। अगर आपका वर्टिकल का प्रॉब्लम होता तो मैं हॉरिजॉन्टल वाला वायर छुटाता तो वर्टिकल जो लाइन आएगा उसमें वो प्रॉब्लम दिखाई दे देगा, और इससे हम पता कर सकते हैं कि ये मेरा कौन सा सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे कन्फर्म हूँ। अगर आपका वर्टिकल प्रॉब्लम आता है, जो मेरा खड़ी लाइन आता है उसमें अगर आपका प्रॉब्लम आए, तो आपको वर्टिकल एरिया में देखना होगा, जो यहाँ पे वर्टिकल IC लगा होता है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये वाला वर्टिकल IC है यहाँ पर, तो इस वाले एरिया में हमें देखना होता है। IC आपका अभी प्रॉब्लम हो सकता है, IC का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे PF कैपेसिटर रेजिस्टेंस जो कुछ भी है इस एरिया का प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे देखना होगा वर्टिकल सेक्शन में। तो यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम है, तो इस एरिया में हम देखेंगे, ए वाला जो एरिया है ये पूरा हॉरिजॉन्टल का एरिया है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इस सेक्शन में देखना होता है। जो मेरा हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम है तो मैं इस सेक्शन में देखूँगा। तो ये चीज़ आपको पता हो गया। तो इसको रिपेयर करने से पहले मैं आपको सभी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं कि जो जो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, जो जो सप्लाई हमें मिलना चाहिए, जो हमारे TV को चलाने के लिए होता है, तो वो सभी सप्लाई को हमें चेक करना होगा। तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारा ब्लैक वाला जो प्रॉब होगा उसको मैं ग्राउंड कर लूँगा। यहाँ पर 200 के रेंज में मैंने DC में सेलेक्ट किया है और इस प्रॉब को मैं ग्राउंड कर ले रहा हूँ। यहाँ पिक्चर ट्यूब में मैं ग्राउंड कर लिया। ओके, उसके बाद में मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम 110 का वोल्टेज देखेंगे, जो मेरा चॉपर ट्रांसफार्मर होता है, इधर से हमारा एक डायोड होके और ESD को ऑन करने के लिए सप्लाई जाता है। तो यहाँ पर देखिए 110 का सप्लाई, यहाँ पर 123 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, जो मेरा यहाँ से एक 1 ohm का रेजिस्टेंस या यहाँ पर एक जम्पर हो सकता है, तो उससे आपको आगे वाया करके और मेरा ESD पिन पे गया होता है। इधर से देखे तो 2 नंबर पिन ये वाला, तो इस वाले पिन पे हमारा ये वाला सप्लाई आया है। अगर ये वाला सप्लाई नहीं आए तो मेरा ESD ऑन नहीं होगा, तो ESD ऑन करने के लिए ये वाला सप्लाई आया होता है। ओके, उसके बाद में हमारा दूसरा जो सप्लाई होता है यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा 27 वोल्ट है। उसके बाद में आपको एक और सप्लाई चेक करना होगा, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 12 से 13 वोल्ट आपको मिलेगा, तो ये भी मेरा सप्लाई ओके है। और एक और होगा जो मेरा साउंड सेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पर देखिए 17 से 18 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 सप्लाई है, चारों सप्लाई मेरा ओके है।
ये बिल्कुल ओके है। आपको हर किट में अलग अलग ये सप्लाई हो सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करा दिया ये वाला सप्लाई सही है। उसके बाद में यहाँ पे ट्यूनर पे आपको 5 वोल्ट मिलता है, ये वाला पिन पे आपको ऊपर से काउंट करेंगे तो 6 नंबर का पिन होता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा मिलता है जब हमारा टीवी ऑन होता है उस स्थिति में, तो हमारा 5 वोल्ट भी ओके है। उसके बाद में इस वाले पिन पे हमारा 16 वोल्ट है जो मेरा वर्टिकल के लिए गया है, वर्टिकल आईसी पे, और एक पे हमारा -16 मिलेगा। तो 14, 15, 16 ऐसा यहाँ पे वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे -16 है, ये दोनों जो मेरा सप्लाई है ये मेरा वर्टिकल आईसी को चलाने के लिए यहाँ पे आया होता है। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो वहीं सप्लाई यहाँ पर भी मिलेगा। कुछ कुछ किट में आपको देखने को मिलेगा जो मेरा चॉपर ट्रांसफार्मर है, जहाँ पे मैं आपको 4 सप्लाई चेक करा के दिखाया हूँ, वहीं से ये वर्टिकल का भी सप्लाई आया होता है, लेकिन इस वाले किट में मेरा ESD से ये सप्लाई आया है। ओके, मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम उसी तरह का है जो आपको पहले दिखाया था, अभी तक इसको रिपेयर मैं नहीं कर पाया हूँ। अभी इसका प्रॉब्लम मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो बीच में मैं आपको दिखा दिया ताकि आप भी डाउट ना रहे आपको भी। तो यहाँ पर देखिए, मैं AC में 200 के रेंज में सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर एक जो हीटर का सप्लाई होता है वो देखेंगे तो यहाँ पर 4 वोल्ट आ रहा है, जो 4 वोल्ट AC में मिलता है 3 से 4 वोल्ट के आसपास मिलेगा, जो मेरा हीटर के लिए होता है। अगर ये सप्लाई कट जाए तो मेरा पिक्चर पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मेरा 4 वोल्ट हो गया AC। उसके बाद में हमारा 180 वोल्ट होता है जो मेरा DC सप्लाई होता है, तो उसको भी मैं आपको चेक करा के दिखा दे रहा हूँ। तो DC के 200 रेंज में मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखे तो इस वाले पिन से यहाँ से एक डायोड करके और यहाँ पर आया होता है जो मेरा नेक पे गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 194 मिल रहा है, 194 के आसपास यहाँ पे सप्लाई है, तो ये भी सही है। यहाँ पे 11 वोल्ट है, तो ये मेरा AVL का है, AVL पिन पे 11 वोल्ट है DC। और एक होता है AFC, तो AFC पे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे AC सप्लाई आता है, 24 से 25 वोल्ट आपको मिलेगा। तो AFC सप्लाई मैं चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 25 वोल्ट आपको मिल रहा है, 25 वोल्ट AC है। उसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, इधर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है, तो इसको आगे मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे 1.3 वोल्ट AC सप्लाई है। कभी कभी क्या होता है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये कट जाने के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो इस वाले जो रेजिस्टेंस है, ये वाला 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं ओपन करूँगा, बाहर निकाल के चेक करेंगे। यहाँ पे अगर वैल्यू चेक करें तो सही से बताएगा नहीं, तो इसको हमें निकाल के चेक करना होगा। जो मेरा AFC जो मेरा पॉइंट होता है इधर से ये सिग्नल देने के लिए ये वाला रेजिस्टेंस लगा होता है। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस है, मैंने बाहर निकाल लिया है और इसको मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं और मीटर को सेलेक्ट करेंगे 20K रेंज में, जो मेरा रेजिस्टेंस मोड है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को ये चेक करेंगे तो यहाँ पे 10 किलो ओम का वैल्यू यहाँ पे मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे यही वाला जो मेरा रेजिस्टेंस है ये कटा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो प्रॉब्लम यही हमारा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कटा हुआ है। ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस डालूँगा 10 किलो ओम का, और आई होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला नया रेजिस्टेंस है, नया नहीं है मतलब दूसरे PCB से मैंने निकाल के रखा है, ये सही है। तो इसको मैं पहले आपको चेक करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9.67 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये मेरा। तो इसको मैं यहाँ पर माउंट करूँगा PCB में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना चाहिए, ये वाला प्रॉब्लम आता है तो यही वाला ज़्यादा रेजिस्टेंस कट जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो मैं ऊपर से ही इसको लगा ले रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर मैं अंदर से लगा लूँगा निकाल के, अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं लगा लिया है और मैं आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका ये रेजिस्टेंस सही भी रहेगा फिर भी आपका यही सप्लाई मिलता है जो मैंने पहले आपको चेक करके दिखाया है, मतलब 25 वोल्ट मिलेगा AFC पिन पे ESD का। और ये रेजिस्टेंस के आगे चेक करेंगे तो हमारा 1.3
मिलेगा। अगर मेरा सही होगा तो भी, यहाँ पे सही लगाया है फिर भी आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करा दे रहा है। यहाँ पे देखिए 24 से 25 वोल्ट आपको मिल रहा है, ये वाला सप्लाई पहले भी था। और इस रेजिस्टेंस को आगे हम चेक करें तो 1.23 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, जो यहाँ पे पहले यही सप्लाई था लेकिन रेजिस्टेंस पहले कटा हुआ था और ये रेजिस्टेंस सही है। और मेरा प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है, पहले का स्क्रीन आप देखे होंगे और अभी का स्क्रीन देख सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस के कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर बताने का कोशिश भी किया हूँ। तो यहाँ पे चलिए पिक्चर दिखाते हैं, ए बी मोड में मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा पहले का पिक्चर था उधर दाएँ तरफ में हमारा ब्लैक ब्लैक जैसा आ रहा था, यहाँ पर धब्बा जैसा, और मेरा बाएँ तरफ है तो बाएँ में कुछ एरिया मेरा अंदर चला गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर मेरा पूरा बिल्कुल सही आ चुका है, पहले आप देखे होंगे और अभी का पिक्चर आप देख रहे होंगे। तो प्रॉब्लम मेरा कहाँ से था आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, AFC पिन होता है जो मेरा, वहीं पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है और उस रेजिस्टेंस को कट जाने के कारण ये वाला प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन सवाल या सुझाव होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और इस तरह का वीडियो पाते रहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।